हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश टुडे। आज हम नए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वह नया वर्ड है गुड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, गुड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? एडजेक्टिव का नाम आते ही आपको दो चीज़ें ध्यान में आ जानी चाहिए। पहली आपको आ जानी चाहिए नाउन, दूसरी आ जानी चाहिए प्रोनाउन। क्लियर? एडजेक्टिव नाउन प्लस प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो गुड है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसे कहते हैं बेटर। क्लियर? और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसे कहते हैं बेस्ट। ठीक है, देखिए, गुड अच्छा, सुंदर, नेक, काफ़ी, मतलब आप जितने भी पॉजिटिव सेंस लगाना चाहिए लगा लीजिए। केवल आप अच्छा के रूप में इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ आप सुंदर के रूप में भी कर सकते हैं, बढ़िया के रूप में भी कर सकते हैं, भला के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है, उचित के रूप में भी कर सकते हैं, मात्रा के रूप में भी, जैसे काफ़ी पर्याप्त मात्रा, उसके रूप में भी गुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो लेकिन इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो ये आपको बेटर मिलता है। बेटर मीन्स अधिक अच्छा, एक शब्द में बेहतर, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ। क्लियर? अब हम इसके एक एग्जांपल के बारे में देखते हैं कि इसका यूज सेंटेंस में कैसे होता है। देखिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर सेंटेंस आपका, राम इज अ गुड प्लेयर। देख लीजिए, राम इज ए गुड प्लेयर। अब देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, नाउन है, यहाँ पे आपका ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका ये आर्टिकल है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आपका ये नाउन है। ठीक है, ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम दिया हुआ है, किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम होगा वह प्रॉपर नाउन होगा। फिर उसके बाद कॉमन नाउन, यह कॉमन नाउन इसलिए है कि अपनी तरह के अन्य लोगों के बारे में भी दुनिया के सारे खिलाड़ियों को इसी प्लेयर शब्द से बताया जाता है, इसलिए यह कॉमन नाउन हो गया। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, राम के लिए ही प्लेयर का यूज़ किया गया है। ये आप जानते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, जो इस सब्जेक्ट को इस प्रेडिकेट से जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए लिंकिंग वर्ब, या आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है तब यह हेल्पिंग वर्ब होती है, या एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब यह हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर यह मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। इसके बारे में आइए, ये आपका ए है, इसको अ भी बोला जाता है। यहाँ पर यह आर्टिकल के रूप में यूज़ हुआ, जिसे आप डिटरमिनर भी बोलते हो, क्वालिफायर। तो ये डिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट आर्टिकल के रूप में। डिफिनिट तो द होता है, आप भी जानते हैं, ए एन जो होते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि जी यहाँ पर एज ए कंसोनेंट यूज़ हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लेयर आप देख ही रहे हैं। अब देखिए, हिंदी, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो अगर हम इसको ना पढ़ें तो हो जाएगा राम एक खिलाड़ी है। तो राम एक खिलाड़ी है, लेकिन यह क्लियर नहीं हो रहा है वह खिलाड़ी कैसा है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, खराब है, कैसा खिलाड़ी है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, यह वर्ड इसके बारे में अतिरिक्त अर्थ दे रहा है। देख लीजिए, अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ प्लेयर इज राम। देख लीजिए, आपके सामने है, राम कैसा खिलाड़ी है, राम कैसा खिलाड़ी है। तो कैसा, अब यहाँ पर राम अच्छा खिलाड़ी है, तो इस कैसा के बदले आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? देखिए फ्रेंड्स, क्या मिला आपको? गुड। तो ये जो हाउ है किसको डिनोट कर रहा है? प्लेयर को। चूंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, चूंकि ये नाउन को डिनोट कर रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको एडजेक्टिव ऑफ गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, जो इस नाउन को डिनोट कर रहा है।
क्लियर। तो इस प्रकार से हम गुड का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट यूज़। फर्स्ट यूज़ को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हम कैसे बताएं कि एडजेक्टिव दो प्रकार से यूज़ होता है। जैसे आप देखेंगे, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, यूज़, ये आपका है पहला, इसको बोलते हैं। अब एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, जहाँ पर आपको मिले, ठीक है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर, देख लीजिएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट यूज। सेकंड हम अगर ले लें तो सेकंड को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, यह केवल होता है एडजेक्टिव, इसके पीछे कुछ नहीं आता, यह सिंगल आता है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, राम इज गुड, देख लीजिए। अभी इसको देखिए आप, गुड के बाद क्या आया है, प्लेयर, प्लेयर क्या है, नाउन। क्लियर, यहाँ पर देख लीजिए, राम इज गुड, गुड के बाद कुछ नहीं आया है, डायरेक्ट आप फुल स्टॉप कर लिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर आपका कोई भी नाउन नहीं आया है, इसलिए इस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये भी देख लीजिए, राम आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ से यानी सब्जेक्ट के बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से प्रेडिकेट, चूंकि ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ रहा है इसलिए प्रेडिकेटी यूज बोलते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि अपने साथ नाउन लेकर नहीं आया था, नाउन को डिनोट नहीं कर रहा है, यह नाउन को डिनोट कर रहा है, आपका नाउन यहाँ पर है, देख लीजिए, राम इज गुड, राम अच्छा है, हाउ इज राम, अगर हमें आप करें हाउ इज राम, राम कैसा है, ठीक है, तो कहेंगे राम अच्छा है, तो ये जो गुड है यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा है, ये आपका नाउन है, आप भी जानते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर भी राम, यहाँ पर प्लेयर, दोनों नाउन है, ये नाउन जो है इसके लिए आया है, ठीक है ना, तो ये इनको भी डिनोट कर रहा है, जब इनको डिनोट कर रहा है मतलब इनको डिनोट कर रहा है, तो ये आपका हो गया एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये आपका हो गया प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एडजेक्टिव, पूरे एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, इन्हीं दो तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यह गुड का प्रयोग कैसे सेंटेंस में किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।